जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ईआरवी लगवाने के नाम पर 200 रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर परिजनों ने बुधवार को हंगामा किया है। परिजनों ने मामले की शिकायत सीएमओ और एसआईसी से की है। इस बीच रुपए लेने वाला कर्मी मौके से भाग गया। उसके बारे में बताया गया कि वह अस्पताल का कर्मचारी नहीं था। आपको बता दें, जिला अस्पताल में पिछले 5 दिन से ईआरवी खत्म है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन नहीं लग रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी वैक्सीन ना होने की वजह से निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। खजनी के बद्रा निवासी किशन त्रिपाठी को मंगलवार को कुत्ता काट लिया था। बुधवार को वह एआरवी लगवाने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस बीच एक कर्मचारी ने एआरवी लगाने के नाम पर 200 रुपए की मांग की। इस पर किशन ने रुपए देकर वैक्सीन लगवा लिया। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो वह हंगामा करने लगे। अधिकारियों ने जब रुपए लेने वाले कर्मचारी को बुलाया तो वह भाग गया। पता करने पर बताया गया कि अस्पताल के कर्मचारी नहीं है, हालांकि वह पहले इंटर्नशिप करता था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मरीज के भाई प्रशांत त्रिपाठी ने कहा, तो आपको पता है जिला अस्पताल में पैसा लेके क्या नाम है आपका? उसने दिया इंजेक्शन लगाया गया और बाद में पता चला कि हॉस्पिटल का मैटर है। ठीक है, उसको क्या नाम, बच्चे का नाम क्या है बताएंगे ना आपको? क्या चाहिए? रुपेश मौर्य नाम है। रुपेश मौर्य मेरी बात थी प्रारंभ में तो लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया कौन डॉक्टर है कौन नहीं डॉक्टर है। मैंने कहा आप दिमाग में बैठ कर जाते हैं और आपको दिल्ली की यात्रा करने दिल्ली शहर में जाते हैं उसके नाम या हम नहीं जान पा रहे मैं क्या लगा साहब क्यों आपको इसी तरह घुमाना है। हमारा नाम प्रशांत त्रिपाठी है। आज हम कुत्ता काटा था हमारे भाई को, तो उसी का सुई लगवाने आए थे यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे आके जांच किया तो बोले कि सुई है नहीं, अभी 2-3 दिन बाद लगेगा। तो फिर हमने जाके उनके कर्मचारी से मिले जो सुई लगाता है, तो वो बोले कि मुझे 200 दे दो और हम लगा देंगे सुई। उसके बाद हमने उनको पैसा दिया, वो सुई लगाए। हाँ, उसके बाद हमने हंगामा किया। फिर उसके बाद हमने अपने भैया को सूचना दिया, वो आए और फिर उसके बाद जो करना था उसको किए। अधिकारी से भी बात हुई है, वो बोले कि 2-3 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम जांच करते हैं।